भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसा द्वापर युग में किया जाता था। आज सुहागन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वो करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया है तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता था जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि ये देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से की विनती। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्युदंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह उसको शाप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की उसी तरह हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था जिसका उल्लेख वारा पुराण में मिलता है। पंडित जी, आज करवा चौथ का व्रत है, क्या परंपरा रही है, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे किया जाता है? करवा चौथ के व्रत की यदि अपन बात करें तो करवा चौथ का सर्वप्रथम विधान भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को बताया गया है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया है, तब शिव जी के द्वारा करवा चौथ व्रत करने की समस्त विधियों को पार्वती जी को बताया गया। आगे कैसी पुरातन कथा आती है कि एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए, पांडवों पर पहले से ही काफी सारी मुसीबतें थीं और उस समय द्रौपदी अत्यंत शोक के मारे ग्रस्त हो गई। तब उसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने आकर के करवा चौथ व्रत करने के लिए उन्हें उपदेशित किया। एक पुरातन इतिहास भी इस विषय में आता है कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार में चार पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का उन्होंने समयानुसार विवाह किया और विवाह करने के उपरांत अचानक जब करवा चौथ के व्रत की बारी आई तो वह कन्या अपने पिता के घर में आकर के अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करने लगी। तब सायंकाल के समय अन्न और जल ना ग्रहण करने के कारण उस कन्या का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। भाई लोग उसकी यह दशा देखकर अत्यंत घबरा गए। एक भाई ने प्रेम के वशीभूत होकर एक जलती हुई लकड़ी को लेकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और सभी भाइयों ने उसे धोखे में रखकर इस बात को कह दिया कि चंद्रोदय हो चुका है। चंद्रोदय को जान करके उसने चंद्रमा को अर्घ दिया और जल ग्रहण कर लिया। उसके जल ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे यह समाचार मिला कि मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे अत्यंत दुख हुआ। दुख में उसने सब कुछ छोड़ दिया। उस समय जब इंद्राणी शची अर्थात इंद्र की जो पत्नी है शची उस समय पृथ्वी पर भू विसर्जन के लिए आई, उस दौरान इंद्राणी से उन्होंने बारंबार निवेदन किया। इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक पुनः करवा चौथ का अगले वर्ष व्रत करोगी तो तुम्हारे पति की तुम्हें दोबारा प्राप्ति हो जाएगी। इंद्राणी के अनुसार उस
ब्राह्मण कन्या ने दोबारा करवा चौथ के व्रत को किया और उसके कारण अपने पति की प्राप्ति की। तब से यह प्रचलित हुआ और संसार में समस्त महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ के इस व्रत को करती हैं, जिससे पति की आयु लंबी होती है। किस तरीके से ये व्रत किया जाता है? व्रत को करने की विधि होती है कि निर्जला होकर के इस व्रत को करना चाहिए। निर्जला अर्थात बिगर जल को ग्रहण किए, बिगर किसी अन्न आदि किसी वस्तु को खाए हुए, सायंकाल में जो चंद्रोदय का समय होता है, जैसे आज चतुर्थी की पक्ष तिथि है, चतुर्थी तिथि में 4 घड़ी का चंद्रमा कहा जाता है, लगभग 8:25 के आसपास का समय रहेगा जब चंद्रोदय होगा, तब चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के साथ अपने पति का दर्शन करके उन्हीं के हाथों से फिर जल को ग्रहण करती हैं। महिलाएं इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, अपने पति के साथ अनंत काल तक दाम्पत्य सुख प्राप्त करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना इस प्रकार की जाती है। हर पत्नी का एक धर्म होता है और एक मन में विश्वास होता है कि एक दिन वह शमशान तक भी अपने पति के कंधों पर जाए। तो इसलिए कुछ स्थितियां बताई गई हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है और एक पान सत्यवान की जो स्थिति कही जाती है, जहां जाकर के सत्यवान को प्राप्त करने के लिए बड़ के वृक्ष पर जो कामना की जाती है, वह महिलाओं के द्वारा बारंबार किया जाता है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और लंबे समय तक वो अपने पति के साथ जीवन काल को प्राप्त कर सकें। पंडित जी, आज करवा चौथ का त्योहार है, किस तरीके का त्योहार है, कैसे है, इसकी पूजा रखी जाती है? देखिए, जय श्री गणेश। अब सर्वप्रथम श्री गणेश, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को श्री गणेश। जैसा कि सभी को विदित है, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ का पुण्य दिन माना जाता है। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना के लिए, मंगल आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं होता है, यह व्रत बहुत ही स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। आज के दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं, बिना जल के इस व्रत को रखती हैं। चंद्रमा के दर्शन करके इस व्रत को, चंद्रमा का साक्षी मानते हुए, चंद्रमा को इस व्रत का साक्षी मानते हुए श्री गणेश जी का रात्रि कालीन पूजन करती हैं। पूजन करने के बाद इस व्रत को पूर्ण रूप से संपन्न करती हैं। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करना, गणेश जी के दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जो पूजन करने का मुहूर्त है, रात्रि 7:30 से लेकर के 10:30 तक आज विशेष रूप से पूजन करने का शुभ मुहूर्त है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इस शुभ मुहूर्त में ये व्रत की पूजन करें ताकि उनका यह व्रत सफल होवे। और मेरा सभी सौभाग्यवती स्त्रियों से निवेदन है, इस संकट के समय में, इस महामारी, वैश्विक महामारी जो अपने देश में, विदेश में, संपूर्ण जगत में फैली हुई है, भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से हमें मुक्ति मिले और हमारा जीवन फिर से सुखमय होवे, आनंदमय होवे, मंगलमय होवे। जय श्री गणेश, जय श्री सिद्धि विनायक।